हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लव्स एंड ट्रिकी एजुकेशन। आज इंग्लिश रा मॉक टेस्ट 31 को प्रैक्टिस करिबा। जो माने पूर्व मॉक टेस्ट गुड़ी का देखी ना 1 रु 30 पर्यंत प्लेलिस्ट अच्छी जाकि देखी पारे। चलत आउ डेरी करें, आज मॉक टेस्ट को स्टार्ट करदे। क्वेश्चन नंबर 1 देखु। डास मैन स्टैंडिंग इन दैट कर्नर इज ए पुलिस मैन इन प्लेन क्लोथ्स। ऑप्शन ए सम, ऑप्शन बी एनी, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी ए। देखंतु पर्टिकुलर मैन विषय रे कुहा जाउछि। जेउ लोकटी कॉर्नर रे छिडा हिछि इज ए पुलिसमैन, से होउछि जने पुलिसमैन इन प्लेन क्लॉथ्स, प्लेन क्लॉथ्स पिंधिछि। बुझियौछि पर्टिकुलर पुलिसमैन विषय रे कुहा जाउछि। सेथि पय द आर्टिकल यूज हेजबो, काहेकि ना डेफिनेट करूछि, सेथि पय डेफिनेट आर्टिकल यूज हला। ऑप्शन ए बी एलिमिनेट हेजबे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देछि फाइंड द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। गिवन वर्ड टी देछि हजार्डस। हजार्डस होचे डेंजरियस, ओके, जोटा कि रिस्की। तार आंटोनिम कौन हिजबो, तार विपरीत शब्द कौन। ऑप्शन ए पेरिलस, पेरिलस मध्ये हजार्डस रो गोटे सिनोनिम हिजबो। प्रिकारियस मध्ये हजार्डस रो गोटे सिनोनिम। ऑप्शन सी मध्ये एहार गोटे सिनोनिम हिजबो, किंतु ऑप्शन डी होचे तार आंटोनिम हिजबो। सिक्योर माने सेफ, सिक्योर सेफ, बुझियौचे। ताले तार अपोजिट वर्ड टी होचे ऑप्शन डी सिक्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देछि फाइंड द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम और फ्रेज। गिवन इडियम फ्रेज टी देछि व्हिसिल इन द डार्क, एहार सठिक अर्थ कौन हम। ऑप्शन ए प्रिटेंड टू बी अनअफ्रेड, ऑप्शन बी ए रे ऑफ होप इन द वर्स्ट ऑफ टाइम्स, ऑप्शन सी सी ए घोस्ट व्हाइल ड्रीमिंग, ऑप्शन डी बी ब्लाइंड एंड फॉल इनटू ए ट्रैप। व्हिसिल इन द डार्क, एहार सठिक अर्थ टी ऑप्शन ए प्रिटेंड टू बी अनअफ्रेड, सेटा होचे व्हिसिल इन द डार्क। ऑप्शन बी सी डी एलिमिनेट हिजबे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देछि दैट व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड, ये होचि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन। ऑप्शन ए पेंसिल, ऑप्शन बी एक्सप्लिकेबल, ऑप्शन सी कैलीग्राफी, ना ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। दैट व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड इज कॉल्ड एक्सप्लिकेबल हिजबो, सो एहार करेक्ट आंसर टी होचि ऑप्शन बी। ऑप्शन ए पेंसिव हबनी, पेंसिव होचि थॉटफुल, डीप इन थॉट, थॉटफुल, सेटा होचि पेंसिव, बहुत चिंता करबा। ऑप्शन सी कैलीग्राफी हबनी, जार बहुत भल हैंड रईटिंग थाए, द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड रईटिंग इज कॉल्ड कैलीग्राफी, एवं ऑप्शन डी मध्ये हेबना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देछि व्हिच स्प्रेड्स बाय फिजिकल टच और कंटाक्ट, ये मध्ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन। फिजिकल टच किंबा कंटाक्ट रे जहाँ स्प्रेड होता है ताकू कौन कह। ऑप्शन ए हनरारी, ऑप्शन ए अनरारी, ऑप्शन बी इनऑडिबल, ऑप्शन सी कंटाजियस, ना ऑप्शन डी टैक्सीडर्मी। एहार करेक्ट आंसर टी होचे ऑप्शन सी कंटाजियस। व्हिच स्प्रेड बाय फिजिकल टच और कंटाक्ट इज कॉल्ड कंटाजियस। ऑप्शन ए अनरारी हेबनी, अनरारी कौन, अनरारी होचे एन ऑफिस फॉर व्हिच नो सैलरी इज पेड इज कॉल्ड अनरारी। ऑप्शन बी इनऑडिबल हेबनी, इनऑडिबल माने जोटा कि ऑडिबल नुहे, दैट कैन नॉट बी हर्ड, सेटा होचे इनऑडिबल। ऑप्शन डी टैक्सीडर्मी हेबनाई, टैक्सीडर्मी कौन, द आर्ट ऑफ प्रिजर्विंग स्किन ऑफ एनिमल्स बार्स एंड फिश इज कॉल्ड टैक्सीडर्मी, ओके। एनिमल्स बार्स एवं फिश मानकर स्किन को जो प्रिजर्व करके रखा जाए था ताकू टैक्सीडर्मी बोली कहा जाए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देछि फाइंड द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। गिवन वर्ड टे देछि डर्थ। डर्थ रा सिनोनिम कोन हिजबो, तार प्रतिशब्द कोन हिजबो। ऑप्शन ए स्कार्सिटी, ऑप्शन बी डिक्रीज, ऑप्शन सी रिडक्शन, ना ऑप्शन डी लॉस। डर्थ रा अर्थ होछि अभाव, जोटा कि स्कार्सिटी हिजबो, सो एहार करेक्ट आंसर टी होछि ऑप्शन ए। ऑप्शन बी सी डी एलिमिनेट हिजबे, डिक्रीज हवा, रिडक्शन हवा माने कमी जीवा, लॉस हवा, बुझी पर्चंदी, किंतु डर्थ रा सिनोनिम होचे स्कार्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देछि फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड को बाछिबा। ऑप्शन ए एक्सेलेंस, ऑप्शन बी एक्सेलेंस, ऑप्शन सी ना ऑप्शन डी। एक्सेलेंस को प्रथमे हमें रफ्रे लिखि नबा, ई एक्स सी ई एल एल ई एन सी ई, सेटा होचे एक्सेलेंस। देखंतु के ऑप्शन अछि, ऑप्शन ए रे अछि, देखंतु सो एहार करेक्ट आंसर टी होचे ऑप्शन ए। ऑप्शन बी सी डी एलिमिनेट हिजबे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देछि फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड को बाछिबा। ऑप्शन ए कोलाबोरेट, ऑप्शन बी कोलाबोरेट, ऑप्शन सी कोऑपरेट, ना ऑप्शन डी कोलोकेट। एहार करेक्ट आंसर टी हिजबो ऑप्शन सी कोऑपरेट, 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 ओके। ये होचे करेक्टली स्पेल्ड वर्ड देइतिला कोऑपरेट। कोलाबोरेट रे डबल एल बसिबा कथा, से सिंगल एल देइतिला। देखंतु ऑप्शन बी भी ठीक देछि, ऑप्शन बी भी करेक्टली स्पेल्ड वर्ड हिजबो, ओके। कोलाबोरेट रा स्पेलिंग ठीक देछि, सी ओ आर आर ओ बी ओ आर टी। मु टाइपिंग रे रॉन्गली टाइप करबा कथा, सठिक टाइप कर देछि, किंतु एग्जाम रे परि पड़िबोनि। कोलाबोरेट भी ठीक अछि, कोऑपरेट मध्ये ठीक अछि, बुझेला। जदि बथ थिबो बथ आंसर करिवे,
ऑप्शन डी देखो कलकेट कलकेट रे डबल एल रहा कथा COLLOCAT सेटा होचे कलकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 दिछि द पोएट ब्लेक रोट मेनी पोइम्स फॉर चिल्ड्रन। ये होचे एक्टिव पैसिव रो क्वेश्चन देखंतु रोट अछि वी टू फॉर्म अछि, वी टू फॉर्म थिले कोन हिजो ना वाज किंबा वेयर प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म हिजो। देखंतु वाज वेयर वर्ब थर्ड फॉर्म के ऑप्शन अछि, ऑप्शन ए रे अछि वेयर रिटन, ऑप्शन बी रे अछि वेयर रिटन, ऑप्शन सी रे देखंतु ऑप्शन सी एलिमिनेट हिजो काहेकि ना सिंपल रिटन दे देला आर रिटन दे देला, ऑप्शन डी बी एलिमिनेट हिजो रोट दे देला। ओके ऑप्शन ए हबना ऑप्शन बी हबो, ताले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जागा को आसीबे एवं ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जागा को जीवा। देखंतु मेनी पॉइंट्स सेठार ऑब्जेक्ट ताले ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जागा को आसीला देखंतु मेनी पॉइंट्स जेहेतु प्लुरल नाउन सेत पे प्लुरल वर्ब रे यूज हे कि वेयर वेयर हे गला वेयर देन वर्ब थर्ड फॉर्म होची रिटन फॉर चिल्ड्रन रहिबा देन बाय द पोएट ब्लेक हे जीवो। सो एहर करेक्ट आंसर टे होची ऑप्शन ए। ऑप्शन बी काहे कि एलिमिनेट हला देखंतु ऑप्शन बी रे कोन देथिला मेनी पॉइंट्स वेयर रिटन बाय चिल्ड्रेन फॉर द पोएट ब्लेक देथला। देखंतु बाय चिल्ड्रेन देथला, बाय तो क्वेश्चन ना ही फॉर चिल्ड्रेन देछि, बाय हबो कि हबनी सेथि पई एलिमिनेट हे गला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देछि सी ऑलवेज कुक्स डेलीशियस फूड। ये मध्ये एक्टिव पैसिव रो क्वेश्चन, देखंतु कुक्स अछि V1 फॉर्म रे अछि, एस लागिछ ना माने V1 अछि, V1 थिले कोन हबो पैसिव रे कन्वर्ट कला बळे इज आम आर प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म हिजो। देखंतु के ऑप्शन इज आम आर वर्ब थर्ड फॉर्म अछि, ऑप्शन ए रे इज कुक्ड अछि, ऑप्शन बी रे इज ऑलवेज बीइंग लगे दिछि तो ऑप्शन बी एलिमिनेट हिजो, ऑप्शन सी भी टोटली एलिमिनेट हिजो काहेकि ना हैज बीन कुक दे देला, ऑप्शन डी मध्ये एलिमिनेट हिजो काहेकि ना वाज बीइंग दे देला पास्ट दे देला। एठार त सिंपल प्रेजेंट अछि सेति पे इज आम आर प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म बसिबो तो ऑप्शन डी भी एलिमिनेट हेला। सो हेर करेक्ट आंसर टी होची ऑप्शन ए डेलीशियस फूड इज कुक्ड बाय हर ऑलवेज। ओके सी एठारे सब्जेक्ट थिला कुक्स होची वर्ब डेलीशियस फूड होची ऑब्जेक्ट, ताले ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जाउ पास के डेलीशियस फूड हे गला देन इज कुक्ड देन बाय हर ऑलवेज। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 दिजे ड्रिंकिंग वाज रुइनिंग हिज लाइफ ग्रेजुअली। ये मध्य एक्टिव पैसिव रो क्वेश्चन, देखंतु वाज रुइनिंग अछि ना मेन वर्ब रे एनजी लागिछ माने वाज वेयर पैसिव रे कन्वर्ट कला बेर कोन हबो वाज किंबा वेयर बीइंग लागि जिवो एक्स्ट्रा बीइंग प्लस वर्ब रो थर्ड फॉर्म बसिबो। ओके देखंतु वाज वेयर बीइंग वर्ब रो थर्ड फॉर्म केउ ऑप्शन अछि, रुइन रो कोन हिजिवो ना रुइंड हिजिवो, जदि सिंगुलर नाउन थिबो सिंगुलर वर्ब रो यूज हे कि वाज बसिबो, जदि प्लुरल थिबो वेयर रो यूज हिजिवो। ड्रिंकिंग एठारे सब्जेक्ट थिला वर्ब होछि वाज रनिंग वाज रुइनिंग एवं हिज लाइफ ग्रेजुअली होछि ऑब्जेक्ट, ताले ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जाको आसीबो हिज लाइफ प्रथम आसीजिवो देन इज रुइन तो हबनी काहेकि ना वाज रुइनिंग अछि माने पास्ट अछि माने इज तो हबनी तो ऑप्शन ए एलिमिनेट हेगला, ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हिज काहेकि ना ग्रेजुअली रु स्टार्ट करिछि, ऑप्शन सी भी एलिमिनेट हिज काहेकि ना देखंतु ड्रिंकिंग प्रॉब्लम्स ड्रिंकिंग रु स्टार्ट करिछि सेति पे एलिमिनेट हेगला। सो हेर करेक्ट आंसर टे होछि ऑप्शन डी हिज लाइफ, देखंतु हिज लाइफ ऑब्जेक्ट थिला देन वाज बीइंग रुइंड वर्ब थर्ड फॉर्म हिछि तापरे ग्रेजुअली बाय ड्रिंकिंग बुझियला ड्रिंकिंगटा बाय ड्रिंकिंग रे कन्वर्ट हिजो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 दिछि कॉल द विटनेस सेड द मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट कहिले कि विटनेस को डाक, मजिस्ट्रेट कौन रिक्वेस्ट कले कि रिक्वेस्ट हबनी तो ऑप्शन ए एलिमिनेट हिजो, मजिस्ट्रेट कौन बेग कले कि बेग भी करिवेनी मजिस्ट्रेट तो ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हिजो, मजिस्ट्रेट ऑर्डर देले सो हेर करेक्ट आंसर टी होची ऑप्शन सी हिजो द मजिस्ट्रेट ऑर्डर टू कॉल द विटनेस, मजिस्ट्रेट ऑर्डर देले विटनेस को डाकिबा पई ऑप्शन डी मध्ये एलिमिनेट हिजो काहे ना प्रेयर देछि। सिंपल क्वेश्चन थिला, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देछि सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द गिवन इडियम और गिवन इडियम फ्रेज देछि हैव वन्स वे रो सठिक अर्थटी कोन हिजो, ऑप्शन ए टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द वे वन वांट्स, ऑप्शन सी इन गुड एंड बैड टाइम्स, ऑप्शन डी टू गिव ए पर्स हैव वन्स वे एहार सठिक अर्थटी हिजो ऑप्शन बी द वे वन वांट्स सेटा होछि करेक्ट आंसर हिजो निज इच्छा अनुसार सेटा होछि द वे वन वांट्स हैव वन्स वे। ओके ऑप्शन ए सी डी एलिमिनेट हिजिवे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देछि सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द गिवन इडियम और फ्रेज, गिवन इडियम फ्रेज देछि फील्ड डे रो सठिक अर्थ कोन हिजो, ऑप्शन ए लॉस वन्स टेंपर बिकमिंग एक्सट्रीमली एंग्री बिकम एक्सट्रीमली एंग्री, ऑप्शन बी ए सक्सेसफुल और ए ग्रेट डे, ऑप्शन सी स्पीक व्हाट वन रियली थिंक्स, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस फील्ड डे रो
सठिक अर्थटे ऑप्शन बी ए सक्सेसफुल और ए ग्रेट डे से फील्ड डे ऑप्शन ए सी डी एलिमिनेट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 15 देखिए दे वांटेड टू हियर डैश एंड ऑफ द स्टोरी ऑप्शन ए आन ऑप्शन बी द ऑप्शन सी एन ऑप्शन डी नो आर्टिकल एठारे आम करेक्ट आर्टिकल को यूज करवा देखो एंड को उच्चारण कले भावेल साउंड आसुची भाविके आपण मैंने आन आर्टिकल को यूज करेंगे ना कहीं आन आर्टिकल एठार यूज हेनी देखिकी सबुबले मुझे आपण मानक क्वेश्चन को देखिकी आंसर करेंगे दे वांटेड टू हियर द एंड ऑफ द स्टोरी हो सेमाने स्टोरी रो एंड को सुनिया इच्छा करुथले बुझेला ताले स्टोरी रो पर्टिकुलर पार्ट को सुनिया इच्छा करुथले बुझौछि जोटा कि एंड पार्ट को सेमाने सुनिया इच्छा करुथले जेहेतु डेफिनेट कर दउछि जे स्टोरी रो एंड को सुनिया सेमाने इच्छा करुथले सेथिपय एठारे दो आर्टिकल यूज हे जिवो डेफिनेट करुछि बोली दो आर्टिकल यूज होला ऑप्शन सी हेबनी किबा ऑप्शन डी मध्य हेबनाई भावल साउंड आसुथिले मध्य एठारे दो आर्टिकल यूज हे जिवो काहेकि ना स्पेसिफाई कर दउछि डेफिनेट कर दउछि जे स्टोरी रो एंड को सुनिया पाई इच्छा करुथले बुझियला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 16 देछि आफ्टर डैश फोर्थ लेसन इंग्लिश स्टूडेंट्स हैव डैश ब्रेक ऑफ डैश आवर एंड डैश हाफ फॉर डिनर देखंतु एठारे आमे आर्टिकल को यूज करिबा लास्ट फोटो मु करी करी जाउछि देखंतु हाफ को उच्चारण करंतु कंसोनेंट साउंड आसीबो तो ए आर्टिकल यूज हे जिवो आवर को उच्चारण करंतु भावेल साउंड आसीब आवार बोली कही था भावेल साउंड आसीब से आन आर्टिकल यूज हो ब्रेक को उच्चारण करूँ कंसनाट साउंड आसीब से ए आर्टिकल यूज होप्शन को एलिमिनेट करूँ देखु लास्ट ए तापर ता सेकेंड हूँ आन तार पर हूँ ए रहीबले ऑप्शन एलिमिनेट होप्शन बी भी एलिमिनेट होप्शन सी एलिमिनेट हो सो यार करेक्ट आंसर हूँ ऑप्शन डी आफ्टर द फोर्थ लेसन फोर्थ लेसन परे पर्टिकुलर स्पेसिफाई कर दउछि डेफिनेट कर दउछि जे फोर्थ लेसन परे आफ्टर द फोर्थ लेसन बुझि पर्चुंती सेथिपय द आर्टिकल यूज हेगला तापर त आपण माने जानि पाले ब्रेक पूर्वरु ए आर्टिकल यूज हबो काहेकि ना कंसोनेंट साउंड आसुछि आवर पूर्वरु आन आर्टिकल यूज हबो एवं हाफ पूर्वरु ए आर्टिकल यूज हेबो बुझियला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 17 देछि मुंबई इज फर्दर फ्रॉम दिल्ली दान पटना एठारे आम देखा सेंटेन्स केउठारे एरर अच्छे ना कि भी एरर ना देखु फर्दर फ्रम ना फर्दर फ्रम हे फर्दर फ्रम नुहे ओके डिस्टेंस हूँ फर्दर नुहे तो ऑप्शन बी रे एरर थिला सो यार करेक्ट आंसर हूँ ऑप्शन बी ऑप्शन ए सी डी एलिमिनेट हो फर्दर हूँ डिस्टेंस को सूचित करे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 18 देखिए नाइदर द डॉक्टर नॉर द नर्सेस वेयर आस्लीप व्हेन द इंजर्ड वाज ब्रॉट टू द हॉस्पिटल एठारे मध्य आम सेंटेंस रे देखिबा केउठारे एरर अच्छे ना किछि भी एरर नाही देखंतु नाइदर नॉर यूज हेगला नाइदर नॉर लागिथिले कोन हेते सेकंड नाउन अनुसार वर्ब यूज हेते एठारे फर्स्ट नाउन होची द डॉक्टर डॉक्टर होची फर्स्ट नाउन यार कोनोसी रोल नथाय सेकंड नाउन टी जदि प्लुराल थिबो ताले प्लुराल वर्ब यूज हेजिबो सेकंड नाउन टी जदि सिंगुलर थिबो ताले सिंगुलर वर्ब यूज हेजिबो देखंतु सेकंड नाउन एठारे प्लुराल नाउन देछि नर्सस देछि माने प्लुराल नाउन सेथिपाइं प्लुराल भाव यूज होयर होगा आउ सब ठीक अच्छे ताहले यार करेक्ट आंसर टी कौन हो ना नो एरर हे तो ऑप्शन डी हूँ यार करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बी सी एलिमिनेट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 19 देखिए द स्कीम अलाउज स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज टू कम्युनिकेट डैश ऑप्शन ए ईच अदर ऑप्शन बी विथ ईच अदर ऑप्शन बी विथ ईच अदर्स ऑप्शन सी देमसेल्फ्स ना ऑप्शन डी विथ वन अनदर देखंतु द स्कीम अलाउज स्टूडेंट्स मानंकु स्कीम टी अलाउ करिछि फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज टू कम्युनिकेट करिया पई डिफरेंट कंट्री मानंक सहित अलग अलग कंट्री मानंक सहित कम्युनिकेट करिया पई स्कीम टी स्टूडेंट्स मानंकु अलाउ करिछि बुझि पर्चोंते डिफरेंट कंट्री सहित कम्युनिकेट करिया पई माने कोन विथ वन अनदर हि जिवो सो हर करेक्ट आंसर टी होछि ऑप्शन डी जदि दुई जनक भितर कम्युनिकेट होता है ताहले सेठरे विथ ईच अदर यूज हे ईच अदर यूज होता है ओके डिफरेंट कंट्री सहित कम्युनिकेट करने वन अनदर यूज होगा ऑप्शन सी मध्य एलिमिनेट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20 आज मॉक टेस्ट लास्ट क्वेश्चन आई हैव नो अपॉर्चुनिटी डैश डूइंग द वर्क ऑप्शन बी ऑप्शन ए फॉर ऑप्शन सी विथ ऑप्शन सी टू ना ऑप्शन डी इन ये हूँ फिक्स्ड प्रिपोजिशन अपॉर्चुनिटी फॉर होता है फिक्स्ड प्रिपोजिशन ओके आई हैव नो अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग द वर्क ऑप्शन ए होची यार करेक्ट आंसर ऑप्शन बी सी डी एलिमिनेट हो मन रखने अपॉर्चुनिटी फॉर होता है आज मॉक टेस्ट को एट हैंड करवा
आपण मानक जदि मॉक टेस्ट गुड़िक भल लगे निहाती लाइक करेंगे चैनल को शेयर करेंगे सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम ग्रुप जॉइन हो जहाँफल आपण मानक पाखक ठीक समय नोटिफिकेशन जीव और ठीक टाइम आपण मैंने देखिपारे। ओके थैंक यू।